नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के साथ शुरुआत करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। देवघर जिला के रिखिया थाना अंतर्गत टोटो लूट की वारदात लगातार हो रही थी, जिसको लेकर एक टीम गठित कर छापेमारी की गई, जिसमें 9 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और 3 टोटो भी जब्त किया गया है। रिखिया थाना में देवघर सदर SDPO पवन कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी कि लगातार टोटो लूट का मामला प्रकाश में आ रहा था, जिसमें देवघर से टोटो बुक करके अलग अलग जगह पर अन्य सवारी बैठकर उससे टोटो को लूट लेते थे और बिहार में इसकी बैटरी और टोटो को बेच दिया करते थे। इसमें कार्रवाई करते हुए गैंग के सरगना महेंद्र दास को उसके आवास के खिजुरिया से गिरफ्तार किया गया है। इसकी निशानदेही पर 8 और आरोपियों की गिरफ्तार किया गया। रिखिया थाना क्षेत्र में विगत दिनों लगातार टोटो लूट की घटना कारित हो रही थी। इस घटना को पुलिस अधीक्षक देवघर के आलोक में काफी गंभीरता से लिया गया था। कांड के उद्भेदन हेतु रिखिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिसके द्वारा काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से इस गैंग का उद्भेदन किया गया, जो महेंद्र दास गैंग से संबंध रखता था। छापामारी के क्रम में हम लोग ने टोटल 3 टोटो बरामद किया है, 4 टोटो की बैटरी बरामद किया है, 1 बाइक बरामद किया है। टोटल 9 लोगों को हम लोग ने गिरफ्तार किया है। आज उसको मानने न्यायालय में हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। ये अंतर्राज्यीय गैंग है, जो बिहार और झारखंड की सीमा में लगे जो क्षेत्र हैं वहाँ टोटो का लूट करते हैं और बाहर जाकर उसको बेच देते हैं, जिसमें ये काफ़ी इनको कमाई होती है और ये लगातार इस धंधे में लगे हुए थे। रिखिया थाना प्रभारी एवं इनकी टीम द्वारा काफ़ी अच्छा काम किया गया है। हम लोग इनको पुरस्कार के लिए अनुशंसा हम लोग करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।